हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और आपका स्वागत है मेरी किचन में। और दोस्तों, मेरी आज की रेसिपी है एगलेस चॉकलेट केक की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे चैनल पे अब 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो इसी खुशी में मैंने आज कुछ मीठा बनाया है आप लोगों के लिए। तो आज इसे आप ज़रूर बना के ट्राई करें। और मैं आप सभी सब्सक्राइबर व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे 1000 सब्सक्राइबर के लिए। और आज मैं आप लोगों को एगलेस चॉकलेट केक बनाना बताऊंगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया चॉकलेट केक बना है, बिल्कुल स्पॉन्जी है और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इसलिए मैंने सोचा 1000 सब्सक्राइबर की खुशी में मैं कुछ मीठा बनाऊं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। ये देखिए, इसके लिए मैंने एक कप ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा लिया है एक कप, और ये दूध लिया है मैंने हाफ कप, और ये मैंने कोकोआ पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून। हम मिल्क मेड लेंगे, कंडेंस मिल्क 3/4 कप। यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून और पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है, और ये मेल्टेड बटर लिया है मैंने 1/4 कप। और दोस्तों, आज मैं केक को आइसिंग करूँगी। इसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट लिया है 100 ग्राम्स, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। क्रीम मैंने लिया है 1/2 कप और पाउडर्ड शुगर लिया है 4 टीस्पून, और चोको चिप्स लिया है उसको गार्निशिंग करने के लिए। और दोस्तों, तो आज मैं केक कुकर में बना रही हूँ, तो बेकिंग के लिए मुझे सॉल्ट चाहिए 1 कप। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर को प्रीहीट करेंगे। ये मैंने प्रेशर कुकर पैन लिया है, इसमें अब हम सॉल्ट डाल के अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और इसका लिड क्लोज करके हम इसे गर्म होने देंगे 10 मिनट के लिए। इसका विसिल हटा दें और लिड क्लोज करके 10 मिनट तक बिल्कुल गर्म होने दें। अब हम सबसे पहले एक बॉल लेंगे और सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट और कोकोआ पाउडर लेके इसे अच्छे से मिक्स करके हम सीव करेंगे, ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स ना रहे। सीव ज़रूर करें, इससे केक में बिल्कुल एयर बबल्स नहीं होते, लम्स नहीं पड़ते। तो आप इसे सीव ज़रूर करें मिक्स करते हुए इस तरीके से। और ये सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इसे मैं मिक्स करके साइड में रख लूँगी। अब मैं दूसरा बॉल लूँगी और उसमें ये मेल्टेड बटर लूँगी और ये कंडेंस मिल्क। दोस्तों, कंडेंस मिल्क से बहुत ही टेस्टी बनता है केक, क्योंकि ये एगलेस केक है। तो अगर आपको एग का केक बनाना है तो आप यहाँ पे 2 अंडे डाल सकते हैं कंडेंस मिल्क के जगह पे। मैं एगलेस बना रही हूँ इसलिए कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ। और ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, इसे आप धीरे धीरे ग्रेजुअली मिक्स करें और अच्छे से बीट करें, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। ये देखिए, और अब यहाँ पे हम दूध यूज़ करेंगे। धीरे धीरे स्लोली मिल्क ऐड करें, एक बार में सारा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बिल्कुल थिन हो जाएगा बैटर, तो केक अच्छा नहीं बनेगा। हल्का हल्का पोरिंग कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बनाना है। ये देखो, बिल्कुल हल्का हल्का मिक्स करें, पूरा एक बार में बिल्कुल भी ना डालें। पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए बैटर, ये देखिए, इसलिए स्लोली दूध मिक्स करें। देखिए दोस्तों, मैंने पूरा 1/2 कप यूज़ नहीं किया है, थोड़ा सा बच गया था दूध, तो आप अपने हिसाब से बिल्कुल ज़्यादा पतला बैटर ना बनाएं। अब मैं टीन को ग्रीस कर लूँगी बेक करने के लिए, ताकि केक हमारा इजीली निकल सके, और मैदा से डस्ट कर लूँगी इसे। ये देखिए, इस तरीके से डस्ट करके एक्स्ट्रा फ्लोर निकाल दें। अब हम इसमें जो चॉकलेट बैटर तैयार किया है, उसे सेंटर पे पोर करेंगे इस तरीके से। अच्छे से सारा बैटर अच्छे से इसमें बीच में डाल दें और इसे 2 बार टैप कर लें, ताकि कोई भी एयर बबल ना रहे, इस तरीके से। चलिए अब हम इसे बेक करते हैं। हमारा कुकर अब प्री हीट हो चुका है। देखिए, इसमें डायरेक्ट हम टिन नहीं रखेंगे, इसलिए एक मिडिल में रैक रखा है, उसके ऊपर ही हम
केक रखेंगे, अपना केक टिन, ये देखिए इस तरीके से रख देंगे और इसे कवर कर देंगे विदाउट विसिल, विसिल नहीं लगाना है हमें इसमें, विदाउट विसिल हमें 20 मिनट के लिए बेक करना है। ये देखिए अब 20 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए वाओ हमारा केक कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अगर आपका केक बेक नहीं होता है तो आप इसे और 5-10 मिनट करें, देखिए बिल्कुल क्लीन निकल रहा है टूथपिक, इसका मतलब है कि हमारा केक बिल्कुल तैयार है। अगर आपका केक ना बेक हो 20 मिनट में तो आप 5-10 मिनट और इसे बेक करें, इसी टाइम कवर कर दें और इसे आराम से निकालें, क्योंकि बहुत गर्म होता है कुकर, इसलिए आप अच्छे से सावधानी से निकालें। और ये जो सॉल्ट है इसे फेंके ना, आप दोबारा बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब हम आइसिंग करेंगे अपने केक का। तो ये मैंने 100 ग्राम्स चॉकलेट लिया है और ये 1/2 कप क्रीम, इसमें 4 टेबलस्पून मैंने चीनी लिया था पाउडर्ड शुगर, और इसे माइक्रोवेव करेंगे। ये देखिए मैंने 20 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव किया था और इसे अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल हमें चॉकलेट गनाश तैयार करना है। ये देखिए इसे अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में लाना है हमें, ये बिल्कुल हमारा चॉकलेट गनाश बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम आइसिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम केक को केक टिन से रिमूव करेंगे, तो उसके लिए एक प्लेट ऊपर रखे और इस तरीके से टैप करके पलट ले। ये देखिए कितना बढ़िया से डिमोल्ट हो गया है हमारा केक। देखिए अब हम इसको एक रैक में, माइक्रोवेव का रैक मैंने यूज़ किया है और नीचे एक प्लेट रखा है ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट हमारा नीचे निकल जाए। और जो ये चॉकलेट गनाश है इसको आप सेंटर पे पोर करें और पूरा केक इसमें डिप हो जाना चाहिए। इस तरीके से पूरा चॉकलेट गनाश इसके ऊपर लगा दिया। और ये थोड़े से मैंने चोको चिप्स लिए हैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए, कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में। देखिए हमारा चॉकलेट केक, अब हम इसे पहले 30 मिनट रेस्ट देंगे उसके बाद ही सर्व करें। 30 मिनट हो गए हैं दोस्तों, अब मैं इसे कट करके सर्व करूँगी। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, कितना बढ़िया बना है, ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी की वजह से मेरे चैनल पे आज 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।